हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में, कि जब हम कोई सर्विस सप्लाई करते हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करते समय क्या क्या कंडीशन आ सकते हैं, वो आज के क्लासेस में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो देखो, जैसे जिस प्रकार हम लोग गुड्स खरीदते थे और बेचे हैं, सेम वैसे ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब वहां पे गुड्स को सेल करते थे, आज हम सर्विस सेल करें। रूल दोनों का वही है, इसमें भी लोकल और इंटरस्टेट आएगा, उसमें भी लोकल इंटरस्टेट आ रहा था, इसमें भी सीजीएसटी, एजीएसटी और आईजीएसटी आएगा, और उसमें भी सीजीएसटी और एजीएसटी आ रहा था। मतलब रूल सब सेम है, काम करने का तरीका भी सेम है, बस यही है यहाँ पे अकाउंटिंग डिवाइस मोड का इस्तेमाल करेंगे। बोलो, तो इसमें कुछ नया सीखना नहीं है, बस यही है कुछ हेडिंग नए हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है। तो देखो, यही बताया जा रहा है आपको कि आफ्टर इनेबलिंग जीएसटी इन द कंपनी, मतलब कंपनी में जीएसटी इनेबल करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, वी कैन रिकॉर्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, ऑफ सर्विस यूजिंग परचेज वाउचर एंड सेल वाउचर। क्या मतलब है कि अब जैसे हम कंपनी में जीएसटी इनेबल करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई के लिए क्या करते हैं, इनवर्ड के लिए परचेज वाउचर का इस्तेमाल करते हैं और आउटवर्ड के लिए सेल वाउचर का उपयोग करते हैं। सेम वही कंडीशन है, फिर से बता रहा है, ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेल बी एन इंटरस्टेट इंट्रास्टेट सप्लाई इफ द सर्विसेज प्रोवाइड एंड सर्विसेज रिसिपिएंट्स आर लोकेट इन द सेम स्टेट। पढ़े हो ना आप लोग, मतलब इंट्रास्टेट सप्लाई क्या बोलेंगे, जो हमसे सर्विस ले रहा है, जो रिसीव कर रहा है, वो हमारे सेम स्टेट का हो। फिर से बता रहा है, सिमिलरली ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेल बी इंटर स्टेट सप्लाई इफ द सर्विस प्रोवाइड एंड सर्विसेज रिसिप्ट आर लोकेट इन डिफरेंट स्टेट। इंटर स्टेट का बोलेंगे, जिसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रिसिपिएंट है वो अदर स्टेट का, डिफरेंट स्टेट का हो, तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट। तो ये कहानी वही लिखा गया है, बस वहां पे अलग तरीके से लिखा गया था, यहाँ पे अलग तरीके से लिखा गया है, कुछ चेंजिंग नहीं है, ठीक है, जरा इसको बढ़ावा मत देना। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, किसका सर्विस दे रहे हैं, जो बिजनेस का सिनेरियो बताया जा रहा है कि जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, वो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। गायत्री कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जा रहा है, एडवर्टाइजिंग का सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग स्टेट में भी, अपने स्टेट में भी। अब कैसे किया जा रहा है, तो इस पे क्वेश्चन दिया गया, क्या क्या दिया गया है, तो देखो नीचे दिया, पहला दिया है टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज, टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज, मतलब टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विस का मतलब क्या है, ऐसा सर्विस जो हम पहले उसका रेट डिसाइड करें और उसके बाद से जीएसटी लगाए, उससे बोलते हैं टैक्स एक्सक्लूसिव। जैसे हमने बोला, मैं आपको एक सर्विस दूंगा, उसका मैं पैसा लूंगा 10,000 प्लस जीएसटी लूंगा 18%, समझे, यह सर्विस दूंगा 15,000 का है, इसमें जीएसटी लूंगा 28%। मतलब वैसी सर्विसेज जिसपे अमाउंट के बाद जीएसटी ऐड किया जाए अलग से, तो उसे बोलते हैं टैक्स एक्सक्लूसिव, मतलब टैक्स उसपे अलग से जुड़ेगा, ठीक है, ऐड होगा। तो ये बोला गया है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज अप वर्थ ₹5 लाख टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर यूपी, एडिशनली जीएसटी 18% इन चार्ज ऑन द इनवाइस विथ रेफरेंस नंबर GCPL कुछ दिया। मतलब क्या है, गायत्री मोबाइल, मतलब गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है, वो एडवर्टाइजिंग का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसका सर्विस, एडवर्टाइजिंग का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का, किसको, सेलो प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड,
और इसमें ऐड होगा जीएसटी कितना परसेंट, 18% ये चार्ज ऑन द इनवॉइसेस विद रेफरेंस नंबर। अब बताइए क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए आते हैं और इसको सिंपल रिकॉर्ड करते हैं। चलिए करते हैं हम लोग कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, कंपनी को फिर करते हैं। आ जाएंगे बाउचर में, ये अपडेट बटन दबाएंगे, सेल B2B ले लेते हैं, लोकल ले लेते हैं, समझे। लेकिन देखो वहां पे क्या दिया है, हम अपने हिसाब से एक इनवाइस नंबर भी दे रहे हैं, क्या 7GCPL। तो हमने तो अपने समझने के लिए क्या दिया है, क्वेश्चन समझने लिखा है B2B005। ये हम इनवाइस नंबर अलग से जनरेट करना चाहते हैं अपने कंपनी के नाम से, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कन्फिगर करेंगे। और देखो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा, प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट दिख रहा है, बस यस कर देंगे, कंट्रोल प्लस सी। देखो ये पर रेफरेंस पूछ रहा है, बोलो, डाल देंगे 7GCPL, 7GCPL। अब कोई सर देने का क्या फायदा है, क्यों देंगे, ठीक है। ये तो हम B2B ट्रांजेक्शन बता रहा है ना, B2B ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, बोलो। और मैं रेफरेंस क्या जनरेट करके दे रहा हूँ, ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते और चाहते तो ऊपर वाला भी रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं था, हम मैनुअली भी चढ़ा सकते थे, लेकिन रेफरेंस नंबर में रेफरेंस नंबर देना जरूरी है, ठीक है। जनरेट हम ही करेंगे, अब तुम्हारी मर्जी से वही दे दो, नहीं तो रहने दो, ठीक है, जनरेट हम ही कर रहे हैं। डेट यहाँ पे दे देंगे बस, पार्टी नेम किसको दे रहे हैं हम, सेलो ऑल्ट सी सेलो प्राइवेट लिमिटेड, अंडर ग्रुप जी, संडे डेबिटर, एड्रेस गोरखपुर है जी, जीएसटी नंबर क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत, चलो बस थोड़ा मूड चेंज कर दें, कंट्रोल प्लस क्या लेंगे, अकाउंटिंग, बस यहाँ पे अपडेट बटन दबा के हमको नॉट अप्लीकेबल कर दे, क्यों, क्योंकि जीएसटी जीएसटी अपने आप आ जाएगा, तो हम लोग बताएंगे क्या, इसीलिए नॉट अप्लीकेबल करके। और यहाँ पे अब पार्टिकुलर में क्या है, और इसमें जीएसटी ऑटोमेटिक क्यों नहीं लिया, क्यों तुरंत पार्टिकुलर में सी जीएसटी जीएसटी आ जा रहा था, हम बताएंगे क्या क्या बेच रहे, ठीक है ना, तो अलग से लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक से काम नहीं चल रहा, तो
नॉट एप्लीकेबल कर दिया हूं, ना लोकल ना इंटरस्टेट, जैसा होगा हम बता देंगे, समझे ना। बस कितना है, क्या है सर्विस? एडवर्टाइजिंग सर्विस, अल्ट सी पेस्ट, सन्ड्री नहीं, इनडायरेक्ट इनकम, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, स्पेसिफाई डिटेल है, सेक कोड दिया है 99-83, पेस्ट, स्पेसिफाई डिटेल है, टैक्सेबल कितना परसेंट, 18%, गुड्स या सर्विस, कर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है क्या ना, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी नहीं ना, बाद में जीएसटी लगाना, कितना रुपये का, 5 लाख हो गया। अब लगाएंगे सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, और समझ जाओ कोई 5 लाख रुपए का सर्विस ले रहे हैं और 18% टैक्स है तो 90,000 टैक्स दे रहे हैं, 18% है तो हाँ कई ठुका 28% तक, कितना लाख रुपए हो गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यू रिफरेंस एक्सेप्ट, बन गया, प्रिंट नहीं करना है, स्किप। टैक्स एक्सक्लूसिव सुन आया, कोई हाँ एडवर्टाइजिंग सर्विस है वो कैसे इनडायरेक्ट इनकम है हमारा, मतलब एडवर्टाइजमेंट करा तो खर्चा है, हाँ हमारा वही स्रोत है पैसा, मतलब हम बिजनेस का पैटर्न चेंज करते जा रहे हैं ना, जैसे मान लो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड वाले, ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट का सर्विस भी चालू कर दी, एडवर्टाइजिंग कराएंगे और उसके जगह पैसा लेंगे, 10 गाड़ी खरीद दिए, ठीक है, और कई सारे बिजनेसमैनों को पकड़ लिए और एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं गाड़ी से, या कोई जोड़ी हम गाड़ी से कराएंगे, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इंटरनेट के माध्यम से एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं उनके कंपनी का, क्या होगा हमारा मेन स्रोत वही है, उसी से पैसा कमाएंगे प्रचार करके, क्या होगा, इनकम होगा, बस नाम हमने अब फिर से चेंज नहीं किए कंपनी के हिसाब से, ठीक है। तो मान लो किसी का एडवर्टाइजमेंट का ही केवल व्यापार रहता है तो वो दिखाएगा, तो जो जैसा व्यापारी है वैसा करेगा, अब नाम हम बार बार कंपनी का चेंज नहीं करेंगे ना, बस हमने दिखा दिया कि हम लोग ये भी सर्विस दे रहे हैं, और जब दे रहे हैं हमारे व्यापार सेल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हमारे व्यापार के लिए इनकम होगी, थोड़ा ना, ये अचानक नहीं हुआ है, कभी कभी नहीं हुआ, ये हमेशा करते हैं। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये इसको समझाने के लिए मैंने बताया। अगला है टैक्स इंक्लूसिव सर्विस, हाली में पढ़े हम लोग, जिसमें टैक्स पहले से इंक्लूड हो, और शुरू में ही पढ़े थे हम 1535 वाला, वो तो कहाँ भूलेगा, 20 मिनट दिक्कत किया था। चलिए क्या कहा जा रहा है, ऐसी सर्विसेज जिसमें टैक्स का अमाउंट पहले से क्या हो, इंक्लूड हो, अर्थात अमाउंट टैक्स रेट पहले से ही ऐड हो, सर्विसेज इंक्लूसिव टैक्स कहलाती है। इस प्रकार की अकाउंटिंग करने से पूर्व निम्नलिखित फीचर्स इनेबल करने होते हैं, गेट ऑफ टैली में जाते हैं, वाउचर में जाते हैं, सेल वाउचर में आएंगे, कन्फिगर करेंगे, वहीं पे ऑप्शन आएगा क्या, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स फॉर लेजर, क्या करेंगे, यस सब कुछ कर दिए थे, लेकिन जहां जीएसटी भरना वहां भरवे नहीं किए, याद है ना। तो चलिए आते हैं, और इस बार जो पैसा बताया जा रहा है उसमें जीएसटी पहले से ऐड क्या है, तो बता रहा है कि गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, इस बार कितने का कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का कर रहे हैं, लेकिन लिखा इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी 18% टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर विथ रेफरेंस नंबर 8GCPL, मतलब इस बार जो 1 लाख का जो सर्विस दे रहे हैं उसको हम जीएसटी पहले से जोड़ लिए, और टोटल ये हम एडवर्टाइजिंग का सर्विस देंगे 2 दिन चाहे 4 दिन चाहे 10 दिन के लिए, कितना लेंगे, 1 लाख जीएसटी के साथ, उसके बाद आपको जीएसटी देना नहीं है, हमने कह दिया, मतलब आप कंप्यूटर खरीदने आए हमने बोल दिया टोटल 30,000 का सब जीएसटी सब कुछ इसी में, 30,000 से 1 रुपया बढ़ेगा आपका नहीं, समझे ना, इसे बोलते इंक्लूसिव, दोनों हो सकता है, ठीक है, कुछ लोग जीएसटी जोड़ के बताते हैं दाम, कुछ लोग छोड़ के तब जोड़ते हैं, बात एक ही है ना।
हाँ तो चलिए इसको करते हैं, क्या करेंगे वही रहेगा, या आप लिखेंगे 8 GC टीयर, डेट लिख देंगे, फिर से वही सेलो प्राइवेट लिमिटेड, बस वही एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ GST पूछ रहा है, तो यही भी डाल देंगे, कितना 1 लाख। हो गया, बस वहां सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स। रियल में देखो तो लोग ये पता नहीं कैसे कैलकुलेशन कर